हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। यार, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखे और अपने पर्सन के बारे में सोचे। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर सच्ची और गहरी भावनाएं, ठीक है। 3 1 1 4 1 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है इस रिश्ते को लेकर, देखिए उनके अंदर विल पावर की, मतलब अंदर की जो विल पावर होती है ना, वो थोड़ा इनकी वीक है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। मतलब इस रिलेशनशिप को बेहतर और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर की जो मनसा है, जो ट्रू इंटेंशंस इनके हैं, वो है आपको अप्रोच करना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन आप दोनों के बीच में बात मुलाकात होती है तो थर्ड पार्टी को लेकर कोई बात नहीं करना, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का बात और मुलाकात होती है तो थर्ड पार्टी को लेकर किसी तरह का बात नहीं करना, बहस नहीं करना। मतलब आप अगर मिलते हो, बात करते हो, तो आप एक दूसरे के लिए करें, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर चाहते हैं कि अपने रिश्ते को अच्छा करना है, ये कुछ करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं देखिए कुछ प्लानिंग ज़रूर ये करते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप लोग की स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रहा है कि आपके पार्टनर बेस्ट पार्टनर आपको समझते हैं, ठीक है। वो रिश्ते सुधारेंगे, किसी जॉब या करियर की तलाश में हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि तुम आओ मुझसे मिल लें। ये सिर्फ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, आप उन पर गुस्सा ना करें, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ की सिचुएशन है जो इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट वो आपके लिए आने वाले टाइम में डिसीजन लेंगे। हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं और कभी कभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत चैलेंजेस को देख रहा हूँ, ठीक है। काम को लेकर, फैमिली को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, मैं रुकता हूँ, ठहरता हूँ, फिर अपने आप को रोक लेता हूँ, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनके अंदर का विल पावर है ना, थोड़ा सा कम मैं देख पा रही हूँ। लेकिन इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं आपके पार्टनर। कुछ के पार्टनर तो आपसे शादी भी चाहते हैं, लेकिन यूनियन चाह रहे हैं कि वो आपसे बात मुलाकात हो, कुछ अपने दिल की बात वो एक्सप्रेस करें और न्यू स्टार्ट करें। मतलब इनके मन में जो रिश्ते को लेकर ट्रू इंटेंशन है कि ये आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी प्रकार से हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। इस वक्त परिवर्तन लाना चाहते हैं, कि बैलेंस लाना चाहते हैं, कि ताकि वो दिनचर्या में अच्छे से काम कर पाएँ और अपने लाइफ को बेहतर कर पाएँ, रिश्ते को बेहतर कर पाएँ। लेकिन कभी कभी इतना ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि शायद ये आपसे भी नाराज़ हो जाते हैं। तो आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं, या फिर पास्ट कनेक्शन में होता है। तो आपके पार्टनर को इस वक्त अपने बिजनेस में भी सक्सेस पाना है, वो जॉब और करियर, रिश्ते सब सुधारेंगे, बस थोड़ा उन्हें मौका दे दीजिए, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्यार है।
आपके पार्टनर इस वक्त आपको ऑफर करना चाह रहे हैं और आपके तरफ बढ़ने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ वांड्स, तो आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये शादी यूनियन भी चाह रहे हैं, रिश्ते को बेहतर बनाना है। इस रिश्ते को लेकर इनके मन में उतार चढ़ाव जरूर था, बट इस वक्त आपके पार्टनर हेल्थ वेल्थ और इस रिश्ते पर फोकस करना चाह रहे हैं। इस वक्त इनके मन में उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके लिए स्ट्रांग डिसीजन लेंगे, ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी, रीयूनियन चाह रहे हैं फिलहाल। इस वक्त बैलेंस करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी है आपको। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए मैंने कहा ना अपने बिजनेस अपने काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में है, तो आपके पार्टनर इस वक्त इस परिस्थिति में, लेकिन आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, थोड़ा इन्हें समय दीजिए, वक्त दीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। फिलहाल वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस परिस्थिति से थोड़ा निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको हेल्थ इशू भी बार बार हो रही है। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी करें, फिलहाल वो आपसे मुलाकात करना चाहते थे। इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि परिवर्तन चाह रहे, लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, उनके डीप इमोशंस और डीप फीलिंग्स आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।